राइट आर्म स्ट्रेट। कमेंट करके अपना फेवरेट शू का नाम। 10,000 कमेंट्स इस वीडियो में मम्मा हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे। पावर ऑफ यूट्यूब दिखा दो। ये सूर्य कुमार का 10,000 कमेंट्स और सारे जूते मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ। बढ़िया लग रहा है। Hey guys, welcome back to another vlog of Cricket Cardio. I hope आप सभी अच्छे होंगे भाई। बड़े टाइम के बाद आज हम खेलने वाले हैं व्हाइट बॉल से क्रिकेट मैच जो कि 20 ओवर का रहने वाला है। तो आज भाई सैटरडे का दिन है, सुबह 5:30 बजे मैं उठ गया था। सबसे पहले अभी का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:30 के आसपास, तो व्यू दिखाता हूँ भाई। एक नंबर का व्यू हो रहा है, दिखाता हूँ। ये देखो भाई बादल, वहां से सूरज उगता हुआ। एक मिनट, ये फोकस नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे पेट्रोल पंप पे अभी हम खड़े होके इंट्रो शूट कर रहे हैं। ये देखो भाई क्या बढ़िया सीन है, ये देखो। तो भाई आज व्हाइट बॉल से खेलने के साथ साथ आज हम अपने क्रिकेट के शूज भी नए लेने वाले हैं। दो टाइप के अलग अलग शूज लेने वाले हैं। एक तो भाई हमारा जो स्पाइक्स है, क्रिकेट स्पाइक्स लेने वाले हैं, विकेट कीपिंग या फिर बैटिंग करते टाइम जो कि काम आएंगे। एक जो हमारे नॉर्मल रबर स्टड्स होते हैं वो भी मैं लेने वाला हूँ। तो दो टाइप के जूते लेने वाला हूँ। और जो हमारा जो बैट टूट गया था, KLR जो हमारा लकी बैट है, उसको भी ठीक कराने के लिए देंगे। और भी बहुत सारी चीजें लेनी है, तो वो मैं सारी चीजें भाई ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। पहले तो हम जा रहे हैं क्रिकेट मैच खेलने। क्रिकेट मैच से सीधा सामान लेने जाएंगे क्योंकि सुबह तो भाई दुकान खुली नहीं होगी 6:30 के आसपास। रीजन भी बताऊंगा क्यों मैं नए शूज ले रहा हूँ। अब अभी चलते हैं यश को लेना है। यश को लेने के बाद हम सीधा मिलेंगे ग्राउंड में। और ये ऐसा ग्राउंड है, इस ग्राउंड में मैं आज तक नहीं खेला हूँ। गुड़गांव में होने के बावजूद इस वाले ग्राउंड में मैं नहीं खेला हूँ। तो देखते हैं ये ग्राउंड कैसा है। 3 C's क्रिकेट ग्राउंड कुछ नाम है, यश के घर के पास ही है भाई। क्या ही नजारा है भाई, हमारा उस वाले ग्राउंड में मैच है। उधर की पहाड़ है, क्या है, पहाड़ है। कौन से पहाड़ आ गए यहाँ पे? अच्छा अरावली वाले हैं क्या? लाइट्स लगाए जा रही है यहाँ पे। व्यू देख लो भाई एक बार, क्या ही व्यू आ रहा है। ये रे पेड़ पौधे, ये टीम का बैठने बैठने की। भाई ग्राउंड के बारे में दो शब्द। जेन्युइन। चलो चल के विकेट देखते हैं अब। विकेट कैसी है? आज की विकेट कुछ ऐसी है। और टॉस यहाँ पे हो चुका है, हमारी पहले आई है बैटिंग। तो देखते हैं कैसी क्या रहने वाली है। विकेट तो ये रही भाई, ये गीला नहीं है, वैसे ही है। ये वीडियो में लग रहा होगा गीला। वहाँ पे नेट्स भी हैं, नेट्स प्रैक्टिस करने के लिए। मूवमेंट है कुछ बॉल में? नहीं, सीधी सीधी बॉल आ रही है, इन तक लेके चलना है, अपने आप बन जाएंगे रन। विकेट अच्छे लेग से। या दो देखना, दो देखना। या आउट है। Yeah!
भाई वो कुछ 30 रन है, 4 विकेट हो चुके हैं हमारे, जल्दी जल्दी विकेट गिरे हैं, फिर यहाँ पे संभालेंगे थोड़ी पारी। चट्टू चट्टू वेट, एक और एक और एक और, एक और। भाई फिटनेस का बहुत फर्क पड़ता है, सिंगल डबल सिंगल डबल भाग के दूसरी टीम पे प्रेशर डाल सकते हो। एक और चेक करो, एक और एक और एक और, वेट वेट वेट, दो 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 दो, गुड शॉट। भाई जब भी विकेट गिर रहे हो पार्टनरशिप बनाने का सोचो दूसरे प्लेयर के साथ, अपने सिंगल डबल बाउंड्री आती रहेंगी बीच में। लग गया बैट पे खेलना, कॉल 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 कॉल, आ जाओ ये आपके एंड पे, गुड वन। अच्छे स्टार्ट 10 ओवर के बाद, हवा अब उस साइड गई, यहाँ से शॉट मारेंगे, उधर की हवा है। थोड़ी एयर में चले गई, यहाँ खेल रहा है। दो 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 दो, गैप में बहुत गैप में, यार कहाँ जा रहा था, मेरे लोग वहां गई। दो 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 दो, गैप है, सेकंड आपकी कॉल है, ठीक है, शॉट भैया, हवा है ऊपर देते तो घुमा दो, वहां लगी जाएगी। क्लियर ही नहीं हुई, खड़े खड़े मार दे, इधर मार देता, कहीं मार देता। पावर के लिए चला गया, टाइम नहीं कर पाया। क्या बोतल लगी है? हाँ मिस टाइम हो गई। अरे पावर के लिए चला गया, टाइम के लिए जाता पा रही थी, हवा भी उस साइड की थी। यहाँ तो बिल्कुल ही टाइम नहीं होती है, छठ यार वही की हवा थी। बहुत अच्छा, 50 बहुत बढ़िया भाई,
तो भाई वो एक इनिंग खत्म हो चुकी है और हमारी टीम ने 160 कुछ रन्स बनाए हैं और मेरा स्कोर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कहीं पे, भाई बहुत ही गलत बॉल पे आउट हो गया, छक्के वाली बॉल थी, यस कहाँ जानी चाहिए थी वो बॉल, बाहर बाउंड्री के, भाई स्टेप आउट करा, फुल टॉस ही बना ली, बस वो मैं ज्यादा तेज से मारने चला गया और वो अच्छे से टाइम नहीं हो पाई, अगर टाइम कर देता तो बाहर ही थी। अब मैं आपको शूज़ दिखा देता हूँ, भाई शूज़ क्यों चेंज कर रहा हूँ, देखो सोल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बढ़िया ग्रिप व्रिप इनकी सब कुछ बढ़िया है, ये देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा फेविकॉल के निशान, फेविकॉल नहीं फेवी बॉन्ड यूज़ करी है मैंने, तो ये आज के मैच के लिए चिपकाए हैं मैंने, वरना ये पूरा ये अलग और ये अलग हो रखा है, ये चिपका रखे हैं मैंने यहाँ से और ये यहाँ से फट रहे हैं पूरे, ठीक है, तो इसलिए एक रबर के मैच स्टड्स लेके आऊँगा और ये मेरे स्पाइक्स हैं अभी के, ये देखो ये भी यहाँ से फट रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैवी है यार, बहुत ज़्यादा हैवी है ये वाले शू, तो अब एक तो स्पाइक्स हम नए लेंगे और एक ये भी नए लेंगे, ये तो विकेट कीपिंग करते करते, क्योंकि भाई आपका जब विकेट कीपिंग करते हो तो ये वाला पैर बहुत ड्रैग होता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, तो स्टंपिंग के लिए जब आप ड्रैग करते हो तो उसकी वजह से यहाँ से फटने लगा है, तो अब विकेट कीपिंग में हम स्पाइक्स ही यूज़ करा करेंगे, अभी देखते हैं ये वाली टीम जो हमारी अपोनेंट है वो चेज़ कर पाती है फिर नहीं, बाकी की टीम हमारी वहाँ पर तैयार हो रही है, बस एक बनाना लेके बनाना खा के फटाफट से चलते हैं अब फील्डिंग के टाइम। This is the ball. Granbird. GW 1.0. ये पत्थर है भाई आज की। अब शुरू होने वाली इनिंग्स, आज मैं आपको कवर्स के व्यू से दिखाने वाला हूँ मैच क्या कुछ रहता है। कैमरे का एक तो ऐसे पता नहीं चलता कैसा व्यू आ रहा है मुझे। चलो 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 शाबाश। शाबाश शाबाश। रोकना रोकना। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। सेकंड बॉल 4 रन। आउट दे। आहा। ठीक है गुड वन। पॉइंट पे आ चुका है तुम्हारा भाई। फील्डर मार देना मार देना। अरे यहीं रख देते। कैच कैच है। आवाज़ें गई। फील्डर चौका। गुड वन। मार तो देता। टू इन टू। भाई बहुत ही बढ़िया, दो बैक टू बैक विकेट्स, दोनों ओपनर वापस जा चुके हैं और दोनों स्टंप आउट हुए हैं, क्योंकि हवा थोड़ी बाहर की चल रही है तो बॉल बाउंस करने के बाद भी बाहर जा रहा है, स्पिनर का हो फास्ट बॉलर का हो कुछ भी हो। ये देखो क्या आ गया, किसी का ऑर्डर आया भाई, हम मैंने नहीं मंगाया भाई। देखो उड़ते उड़ते हवा इतनी तेज चल रही है, उड़ते उड़ते दूसरे ग्राउंड से चाहे उसका ऑर्डर। भैया उपमा पोहा ऑमलेट चाय किसने मंगाई है?
थी गलत भाई, हमारे हाथ से रन, हमारे हाथ से कवर्स पे खड़ा था, यहाँ बॉल आई थी, बेहतरीन थ्रो दी रखी। फायर भैया ये पहन लोगे आप? उस मैच के बाद आठ डाल रहा हूँ राइट ऑफ स्पिन स्पिन हो गया ओवर देगा तुम्हारे भाई का, बहुत बढ़िया। अकेडमी में बॉल डलवा रहा है मेरे से आज के, पंजा खोल दिया आज आपने, बिड बना रहे हैं। ओवर कैसा लगा ये बताओ? वो पंजा हटा सोच रहे थे फिर अगले कई सालों तक तू नहीं डालता। मैंने अब डेढ़ दो साल बाद डाला है मैच में तो। कैप्टन क्या हमें और ओवर डालने को मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, ऐसी परफॉर्मेंस देते रहो और बॉलिंग लेते रहो। तो भाई वो मैच हो चुका है खत्म। सबसे पहले मैं अपनी टीम का स्कोर बता देता हूँ। हमारी टीम ने 163 रन बनाए थे, 9 विकेट हमारे गिर गए थे। और मेरा स्कोर मुझे अब पता चला है, 20 बॉल में भाई 30 रन मारे, 4 चौके थे इसमें। तू भाई सीधा व्लॉग ही देखियो, ये तो लेट आया, अभी आया सिर्फ। तो दूसरी टीम 122 ही बना पाई 8 विकेट के नुकसान पे, और जिसमें मेरा एक रन आउट देखा था मेरा। पहली बार आप सभी को व्लॉग में बॉलिंग करते हुए दिखा हुआ क्रिकेट कार्ड, ये तूने देखा हुआ है ना, मैं क्या खतरनाक बॉलिंग डालता हूँ भाई। एक ओवर में मैंने कितने 7 रन दिए, जिसमें एक पंजा भी था, अगर वो पंजा नहीं जाता तो 2 ही रन होते। 41 रन से हम आसानी से मैच जीत गए। देखो दूसरा मैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मौसम बिगड़ चुका है भाई, बारिश का मौसम हो चुका है। अब चलते सीधा दुकान पे और देखते हैं अपने लिए कोई भी बढ़िया से जूते। बाकी ये वाले जूते देखो भाई, ये भी मैं पहले कभी पहनता था भाई। अब हम आ चुके हैं हमारी अपनी सिक्स एंड आउट स्पोर्ट्स, अपनी तो नहीं है बट हाँ यार जानकार है, बचपन से यहीं से शॉपिंग कर रहे हैं। आ जाओ चल के फटाफट से दिखाते हैं। भैया बैठते हैं यहाँ पे, कैसे भैया? वो बोला तो आपने। ये भैया बैठते हैं यहाँ पे, भैया के दो बच्चे हैं भैया के, और वो सुबह ब्लॉग देख रहे थे, भैया बता रहे थे कि बैट नहीं लेके आए हैं, बैट आज भैया के लेके आए हैं, कहाँ पे रख दिया। ये लो भाई के लार भैया के यहाँ दे दिया हमने, यहाँ से टूटा है भैया फिट करके देंगे। क्या कुछ लगेगा इसमें? बैंड बैंड हो जाएगा, ज्यादा बैंड से फिर रेवेन्यू जाएगा, ज्यादा वेट नहीं पड़ेगा, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है ये वाला कर लेना। और अब चलते हैं सीधा शूज लेते हैं। हाँ भाई क्या कहना चाहोगे इस जूते के बारे में? ये ऐसा जूता देखा आपने पहले कभी? बढ़िया लग रहा है, देखा हुआ लग रहा है। इसका एन भी निकल गया यहाँ से। क्या ओकले लेने का प्लान है क्या? प्लान तो है बट अभी नहीं, मत अभी खर्चा हुआ है, खर्चा खर्चे की देख रहा है। देखिए भाई अब 21,000 बेल्ट बताइए वाले थोड़ी ना, अरे यार 21,000 की बेल्ट है, 24,000 की घड़ी। चलो पावर ऑफ यूट्यूब दिखा दो, जैसे इसने बोला था यूट्यूब की पावर, यहाँ से लेके सारे खरीद दो इसके नाम पे। यू वेरी चालाक ब्रो।
चलते कौन सा, मतलब बिकता कौन सा बढ़िया? मेडार बिकता सबसे ज्यादा, महंगा वाला कस्टम है ये तो, कस्टम है मतलब इसमें ये सारा चीजें चेंज हो, हाँ ये सब चेंजेस है, सब लास्ट चेंजेस है, थोड़ी क्लियरिटी बढ़ा दी, कलर हमारे फेवरेट। भाई क्या लग रहा है देखो, बैटमैन बैटमैन से नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा हूँ जैसे वो नहीं होता किसी ने बैटमैन का मास्क से सुपरमैन का मास्क लगा दिया, क्रिश वाला एंटमैन से लग रहा है। ये तो भाई बहुत घटिया लग रहा है। अरे भाई मजा आ गया मेरे को तो, भाई लाइट देख, लाइट क्लैरिटी भी है, ऐसा लग रहा है पर लुक में ऐसा लग रहा है जैसे बैटमैन का मास्क पहन लिया हो, बढ़िया लग रहा है कसम से। हमारा भी अलग चैनल है, एक ही चैनल है मेरा अलग, रिपोर्ट कर देना कर जाते। अच्छा भाई यहाँ पे रखा है सारा स्टॉक जो भी रहता है इधर, सूर्य के बैट दिखा, ये सूर्य कुमार का बैट MRP दी गई है यार, क्या वेट है इनका? 1170 75,000 का, उसी का ही बैट है ये स्काई, और इसकी स्पाइन है ना ये देखो, स्पाइन जो है 65-66 mm, हाँ इनकी कम है। ये क्या प्राइस है? ये होगा 70 समथिंग का है, और ये 90,000 का, 75 का। ये वाले बल्ले से कब खेले हैं? क्लासिक एली है ये, SG का वन ऑफ द टॉप बैट है। और इसका क्या प्राइस है? 1 के आसपास होगा भाई, आईफोन जितना है तो 1,00,000 का है। सेम प्रोफाइल है, वो ही चाहिए उनको, डेविड वार्नर। ऐसा क्या कुछ खास होता है इन बल्लों में? ये बेस्ट वुड होती है, आप इनसे मारोगे ना कभी बॉल को, साउंड अलग है इनकी, साउंड अलग है। एक तो जैसे टीवी में दिखता है ना तुम्हें बॉल है भाग रही है, वैसे ही छक्के लगे हैं। कितने नॉक्स कितने होंगे एक बैट पे? एक बैट पे मिनिमम 10-12,000। अच्छा मतलब ये यहाँ से लेके पूरा नीचे, हाँ, पूरा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये A to Z पूरा एक एक पॉइंट पे प्रेस करेगा बैट। नहीं बैट लो, नॉकिंग कराओ, खेलने लग जाओ सीधा, मतलब हाफ एन आवर में मतलब पूरा बैट रेडी। A few moments later. तो भाई 6 and out से कर लिया हमने शॉपिंग, और अपना बैट भी दे दिया, बैट भी कभी आते जाते उठवा लेंगे। और आज तो भाई हमें मिले हैं स्पाइक्स ही, मिले ना स्पाइक्स, स्टड्स बाद में मिलेंगे। तो भाई स्पाइक्स ही लिया आज हमने, कितने जोड़ी होंगे मेरे पास जूते क्रिकेट के? 4 या 5, 6-7 जोड़ी, 6-7 जोड़ी। अगर आप सबको रिव्यू देखना है, 10,000 comments कर पाएंगे? सारे जूते मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ, रिव्यू करने वाला हूँ अपने जो भी बेस्ट से वर्स्ट शू मैंने कौन सा परचेज किया सारे शूज। तो भाई उस सेक्टर 40 में रहता था जिस जिसको नहीं पता है, और बिल्कुल ही बगल में सेक्टर 31 है जो 6 and out हम जाके आए, जिस शॉप से हमने शॉपिंग करी है। भाई सेक्टर 40 हमारे दोस्त से मिली है, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। तो भाई जब भी इस एरिया में आता हूँ भाई से मिलता हूँ, और एक दो और दोस्त हैं वो तो जा रखे, कोई चेन्नई जा रखा है, सुशांत आ रखा है अभी, ये पहली बार आ रहा है ना हमारे ब्लॉग में। भाई नमित मदान, कांटेक्ट हिम फॉर कुछ, अच्छा अभी अभी नहीं करना भाई को कांटेक्ट। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं घर पे, भाई चुपके से ना मेरे शूज देख लो दोनों, और अपना फर्स्ट लुक बताओ कि कैसा लगा आपको शूज, बताइए कैसे हैं शूज, मस्त लगे? गेस करना कितना प्राइस होगा? 10-15 मम्मा लिखा नहीं, होंगे ना इतने 9-10। भाई मम्मी कह रही है 9-10 हज़ार, दीदी कह रही है 10-15 हज़ार। ये भी थोड़ी बहुत चीजें लाए हैं, ये तो सॉक्स हैं, ये इनर्स हैं, विकेट कीपिंग इनर्स, ये बैटिंग इनर्स। 10,000 comments इस वीडियो में मम्मा हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे। मेरे को नहीं लग रहा, नहीं होंगे ना, मेरे को नहीं लग रहा। भाई यश भी कह रहा हो जाएंगे, अस्तित्व भी कह रहा है, आप भी कह रहे हो, देखते हैं हो पाएंगे या फिर नहीं। ये शू जिसको भी देखना, और मेरे पहले के जो भी मैंने आज तक क्रिकेट के शूज यूज करे हैं सारे शू, अगर आप सभी को देखने हैं कॉमेंट कर दो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो या फिर ब्लॉग में, और जो भी ये ब्लॉग को देख रहा है भाई, अब आने वाले वीक में होली आ रही है, और वेरी हैप्पी होली मेरी तरफ से आप सभी और आप सभी की फैमिली को। और भाई आज के मैच में मजे आ गए, बैटिंग में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, फील्डिंग में भी दिया, बॉलिंग फर्स्ट टाइम आप सभी ने क्रिकेट कार्डियो को बॉलिंग करते हुए देखा, तो कैसा लगा? तो मिलेंगे अब आपको जल्दी एक और नई ब्लॉग या फिर वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, क्रिकेट खेलते रहिए, जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय। नई गाड़ी किसी ने बजा दी, बढ़िया, यहाँ से भी बजाई है, यहाँ से तो क्या ही बजाई है। यस जैसे ड्राइवर हो गया।